इनको कब से देख रहे हैं? ये तो रह रही एक महीने से देख रहा हूँ मैं, यही सोता है। लेकिन जहाँ यहाँ है सब मोहल्ले वाले से ही ये चलतान का जो मेन है। दादा क्या नाम है आपका? नरसी। नरसी भाई कहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ कैसे आ गए? मैं पहले इधर दिल्ली गेट पश्चिम में उठा था। दिल्ली गेट सूरत में? तो इधर चलथान में? फिर मैं बोट में काम करता था। मॉल में? बोट में। तो आपके घर परिवार में कोई नहीं है दूसरा? सब मेरे लखवा लग गया, मैं कैसे पहुंच सकूं भाई। तो कौन सा गांव है आपका भावनगर में? भावनगर में गांव कौन सा है? भावनगर मेन सिटी है। सिटी में तो कोई मोहल्ला वगैरह? भावनगर तो बहुत बड़ा है। खेडूत आनंद नगर पुष्पा साठी प्लॉट नंबर 210। प्लॉट नंबर 210 खेरूत नगर। खेरूतवास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा घर यहीं पे है। तो मैं अभी आया ना तो मेरे मामा राउंड मार रहे थे, तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि ऐसे एक आदमी है यहाँ पे, मेरे को कोको पिला के दिया। हाँ हाँ, कोको पिलाए ना, वो मेरे मामा है। तो अभी मेरे को, मैं सो रहा था अभी, फ़ोन किए तो मैं आया आपको लेने कि आपको वहाँ पे हमारा शेल्टर होम चलता है तो वहाँ पे रख देंगे, तो आपको नहीं सोना पड़ेगा। कहाँ पे क्या हुआ है पैर में? लखवा लग गया। पैर के हाथ नहीं काम करता है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा, ये साइड का पूरा नहीं करता है। तो आपकी शादी वादी हो रखी है? मेरी बीबी है, एक छोकरी है, उसका दो बच्चा है, छोकरा है, उसका एक बच्चा है। क्या नाम है उसका? राहुल। राहुल छोकरा का नाम। तो उसका कोई मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है आपके पास? वो मेरा सेठ के पास पड़ा रहा। तो आप ऐसे बीच में यहाँ पर रह रहे हो इतने तकलीफ में? मैं देखते हैं रोड के एकदम डिवाइडर के बीचों बीच में है। कोई बात नहीं, हम लोग आपका घर का पता करके आपको वहाँ भावनगर भिजवा देंगे। हमारे काफ़ी लोग रहते हैं भावनगर में, तो वहाँ से मालूम चलेगा ना, तो आपको भेज देंगे। ठीक है, आप आ जाओ मेरे साथ। अभी आ जाओ? हाँ अभी आ जाओ। ये ले लो, ये रहने दो। ये चलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सब आपको गद्दा बिस्तर सब मिलेगा, कपड़ा उपड़ा है ना। आप कैसे निकलोगे इसमें से? मैं निकल जाऊं। हाँ आ जाइए, ये गाड़ी है। ये सब रहने दो दादा, ये सब कोई काम का नहीं है। मेरा बूट तो? हाँ बूट ले लो, बूट चलेगा है ना। लाओ मैं ले लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तुम्हारा मामा अभी मेरे को खाना दे के दिया। अच्छा खाना दिए ना। रुको, पकड़ लेता हूँ। दोस्तों दादा को लेके हम लोग जा रहे हैं शेल्टर होम। अभी मैं घर पे आ गया था और खाना खाने के बाद जस्ट मेरे मामा का ही कॉल आया कि वो वॉक पे निकले थे और उन्हें ऐसे दादा दिखे। उन्होंने कॉल किया कि ऐसे भावनगर के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के आगे बीच डिवाइडर पे बैठे रहते हैं। तो मिले दादा से और दादा से बातचीत की, तो इनका परिवार भावनगर में है ऐसा इनका कहना है। तो बस इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनका परिवार जल्द से जल्द मिल जाए। इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है अपने परिवार से। दादा हाँ, आपका परिवार वहीं भावनगर में ही रहता है ना? हाँ मेरा भावनगर सिटी में रहता है। तो मतलब ऐसे आप यहाँ चलथान में कैसे आए सूरत से? मैं पहले दिल्ली गेट ऊपर सीमेंट उठाता था। अच्छा सीमेंट उठाते थे? हाँ। अच्छा अच्छा, मेरा पैर अच्छा था तब। हाँ। फिर मैं बॉट में काम करने गया। हाँ हाँ। बिल्ली मोरा उधर मेरा 37,000 अटवाया है। अच्छा अच्छा, उसका फोन नंबर दो तो मेरे को। हाँ हाँ, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। और अभी आपका जो, फिर यहाँ पे आप कैसे आ गए चलथान में?
चलखन में, उधर मेरे को लखवा लग गया तो मैं चलखन में पहुंचा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कितने टाइम से हो आप? ये 2-3 महीने से लखवा हुआ। तो 2-3 महीने से चलथान में हो? तो खाना पीना कैसे होता है आपका? वो सामने वो ढाबे ढाबेली वाला है, वो वड़ा पाव वाला है। अच्छा, वो दे देता है भाई। तो वो सब लोग दे देते हैं। तो ऐसे घर जाने का मन नहीं करता आपका? करता है, क्या करे, पैसा नहीं है तो क्या करे। एक कुंभरिया गांव है ना? हाँ हाँ, उसमें मेरा जन्म है। अच्छा, यहीं का आपका जन्म है? हाँ, पूना में जन्म है। अच्छा अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नरसिंह प्रभु धरेजिया। धरेजिया, ये किस में आता है? कोली पटेल में। अच्छा, कोली पटेल हो आप? अच्छा अच्छा, तो आपका जो मेन भावनगर है वहाँ पे आपके मतलब पूरे सारे रिश्तेदार वहीं पे रहते हैं भावनगर? हाँ, सारे रिश्तेदार रहते हैं। मेरा मकान भी इतना है उधर, मेरा जमीन भी है। जमीन मकान सब कुछ है वहाँ पे? हाँ, 56 एकड़ जमीन है। 56 एकड़ जमीन है आपका? कोई बात नहीं दोस्तों, देख सकते हो दादा का अपना 56 एकड़ जमीन होने के बावजूद, घर मकान होने के बावजूद, लेकिन जब इंसान शरीर से कहीं पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवा मार देता है, किसी भी तरह से शरीर से जब ऐसा अस्वस्थ होता है तो कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिछड़ जाता है, और नज़दीक होते हुए भी। मेरा छोकरा का नाम राहुल है। राहुल? मेरी बीबी का नाम भाऊ है। भाऊ? मेरी छोकरी का नाम काजल है। अच्छा, मेरा जमाई का नाम पप्पू है। पप्पू, कोई बात नहीं दादा, हम लोग जो है आपके परिवार को ढूंढ के और आपको घर सही सलामत भेज देंगे, है ना? कोई बात नहीं, ताकि आप अपने घर पे आराम से रह सको। कोई बात नहीं, इतना सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया। मैं पहुंचूंगा ना उधर मोटा भाई। हाँ हाँ, सेठ तो मेरा सब सेवा करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों मेरे पास जमीन पड़ा है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, घर वाले तो करते ही हैं और घर वालों को सेवा करना भी चाहिए। मिल जाएगा आपका परिवार, हमारे बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट में जो लोग तुरंत परिवार ढूंढ देते हैं, और आपका परिवार जल्द से जल्द हम लोग ढूंढ लेंगे, है ना? आपका गांव का क्या नाम है पूरा दोबारा से बताना, पूरा मोहल्ला। खेड़ीवास आनंद नगर रसपुर सोसाइटी प्लॉट नंबर 210। अच्छा, आनंद नगर खेड़ीवास प्लॉट नंबर 210। प्लॉट नंबर 210। अच्छा चलो, कई वांदो नहीं, तुम्हारा घर मली जैसे। मेरा पलवल का नंबर को भी दिया ना तुम मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ढूंढ लेंगे हम लोग, है ना? अभी चलते हैं शेल्टर पे, जब तक आपका परिवार नहीं मिलेगा आप हमारे साथ ही रहना वहाँ पे अच्छे से। कोई बात नहीं, वहाँ आपका देख रेख सब कुछ होगा, और सुबह में नहा लेंगे अच्छे से। हाँ, और फिर वहाँ पे साफ सुथरे रहना है ना? ठीक है। आ जाओ दादा। हाथ दो, पकड़ो मेरे को। हाँ, एक सेकंड, रुको रुको, इधर से एक पकड़ लो। हाँ, धीरे से उतारो उतारो, पकड़ो। हाँ चलो, मैं ले लेता हूँ सामान, ले लेता हूँ, आगे बढ़ो आप, रुको। ये हमारा शेल्टर होम है, आश्रम, ठीक है, यहीं पे अब रहना है आपको। कोई बात नहीं, है ना? अच्छा है ना? अच्छा है। देखो यहाँ पर जितने पहले लाए थे ये सब लोग हैं, आइए। कोई बोलेगा तो नहीं ना? ये मेरा ही है, कौन बोलेगा, समझे? सब अपने ही लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने ही स्टाफ सब हैं, सब ध्यान रखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो कितने सारे लोग रह रहे हैं। खाना खाओगे? अभी नहीं खाऊंगा, मैं मामा के साथ खाया। मेरे मामा के साथ खा लिए? आइए आइए, आपके बेड पे ले जाता हूँ। सुबह में नहा धो के अच्छे कपड़े दे देंगे, दाढ़ी वाड़ी अच्छे से बना देंगे आपका।
कौन सा बेड है? ये वाला बेड, आ जाइए। बस बस बैठ जाओ। बस अभी आप आराम करो, काफी रात हो गया है, अब हम लोग सुबह में बात करेंगे। ध्यान रख अपना, यहाँ पे कोई भी चीज का जरूरत होगा ना बोलना, ये सब हमारे लोग हैं, वो आपको तुरंत ला के देंगे, ठीक है? सो जाओ, आप आराम से सो जाओ, आराम से ऐसे ऐसे, बस 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 ऐसे। हाँ थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ बस बस, ये कंबल है, ठंडी लगे तो उड़ लेंगे। क्या हाल है काका? अरे कैसे हो? बैठी हूँ। अच्छे हो ना? चलो अब एक और को लेके आया मैं, हाँ उनको वहाँ पे लिटाया हूँ। अभी आप सही हो? मजा आ रहा है? आपका गाना सब सुन के खुश हो गए, बहुत बढ़िया गाते हो आप। कौन सा गाना गाए थे याद है? कौन सा? तो आते तो गा लेता। जब मन करता है तब गाते हो? हाँ मन कर देता। अच्छा अच्छा, तो मेरे को तो सुनाई नहीं, मैं आपको लेके आया, मुझे ही गाना नहीं सुना है। कल बल आ रहा, बहुत टाइम के बाद आए। मैं थोड़ा इधर उधर, बहुत सारा सेल्टर है ना ऐसा मेरा, ऐसे 22 सेल्टर है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, जो जो एरिया में रहता हूँ वहाँ वहाँ जाता हूँ। बाकी यहाँ पे हमारी टीम के लोग सब रहते हैं, रहते हैं ना, ध्यान रखते ना आपका? ध्यान रखते। खाना पीना सब मिल रहा है बराबर? सब 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 मस्त। चलना फिरना अभी हो गया? हाँ चलना फिरना अभी, चलने में तकलीफ नहीं है ना? नहीं। चलो ध्यान रखो अपना, है ना? हाँ।